बात करेंगे लोकोमोटर एटेक्सिया के बारे में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो चाल है वो लड़खड़ाती है और उनके जो इश्यूज़ हैं वो उनके जो ब्रेन है और उनकी जो बॉडी है उसका आपस में जो तालमेल है वो बरकरार नहीं रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और आज हम बात करेंगे लोकोमोटर एटेक्सिया के बारे में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो चाल है वो लड़खड़ाती है और उनके जो इश्यूज़ हैं वो उनके जो ब्रेन है और उनकी जो बॉडी है उसका आपस में जो तालमेल है वो बरकरार नहीं रहता, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं और अटैक्सिया की बहुत सारी काजेज़ हैं। लेकिन हम मुख्तसर जो हैं वो आपको, अगर मोटर अटैक्सिया जो है वो किसी को जो है वो डायग्नोज हो गए तो होम्योपैथी की ऐसी कौन सी अद्वियात हैं कि आप उनको मिलाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वह ना सिर्फ ये है कि उसको सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर काम करेगी बल्कि आपके जो पेशेंट है वो विद इन नो टाइम जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हो जाएगा। होम्योपैथी की मेडिसिन है नेट्रम एरोटिकम 3x में, मैग्नीशियम फास्ट जो है ये वैसे भी इसका असाब पे बहुत बड़ा एक्ट है 3x में, और स्लीशिया जो है वो 12x में। तो ये तीन अद्वियात जो है वो मिलाकर, इनकी 4 टैबलेट्स जो है वो दिन में 3 से 4 बार नीम गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें तो जो लोकोमोटर अटैक्सिया है उसके अंदर जो है वो खातर ख्वाह जो है वो कमी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस को 4 चांद लगा देगी। थैंक यू वेरी मच।